नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके का बहुत ही अच्छा पेपर, 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पेपर लेकर आया हूँ। साथियों, राजस्थान जीके हिस्ट्री की क्लास नंबर 28 है ये। तो देखिए, लेवल दो लेवल एक दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी और एनसीईआरटी की किताब में से ये पेपर आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे ही 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या एक है, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? मारवाड़ की, आमेर की, मेवाड़ की और बीकानेर की। देखिए, कृष्णा कुमारी विवाद जो हुआ था राजस्थान के इतिहास के टॉपिक में से, अब यहाँ पर कृष्णा कुमारी उसी की बात की जा रही है, कृष्णा कुमारी विवाद वाली। तो साथियों, यहाँ पर ये जो कृष्णा कुमारी थी ये कौन से राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। कहाँ की राजकुमारी थी ये? मेवाड़ राज्य की ये राजकुमारी थी। तो विकल्प तीन आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित भी बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो दूसरा प्रश्न है, कृष्णा कुमारी की प्रथम सगाई किससे तय हुई थी? बीकानेर के राव जोधा से, मेवाड़ के भीम सिंह से, मारवाड़ के भीम सिंह से और आमेर के जगत सिंह से। तो देखो, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी और साथियों इसके पिता का नाम क्या था? भीम सिंह। ठीक है, लेकिन इसकी सगाई जहाँ पहले तय हुई थी वो था मारवाड़ का भीम सिंह, मतलब इसका नाम भी भीम सिंह था जिससे सगाई हुई थी और इसके पिता भी भीम सिंह ही थे, लेकिन ये थी मेवाड़ की और सगाई हुई थी मारवाड़ में। तो विकल्प नंबर इसमें भी तीन ही सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या दो में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या तीन है, कृष्णा कुमारी विवाद में किसने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए मेवाड़ में डेरा डाल दिया था? मान सिंह ने, जगत सिंह ने, भीम सिंह ने और अमीर खां पिंडारी ने। तो बताइए प्रश्न नंबर तीन में कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, चीज़ें पढ़ा रखी है मैंने आपको ये। तो साथियों, कृष्णा कुमारी विवाद जो हुआ था इसमें मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए मेवाड़ में जिसने डेरा डाला था वो था अमीर खां पिंडारी, क्योंकि इनको एक मौका मिल गया था मेवाड़ मारवाड़ मतलब राजपूतों के हस्तक्षेप करने में, राजपूतों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया था इनको कृष्णा कुमारी विवाद के संदर्भ में। सभी को पता है कि भाई कृष्णा कुमारी जो है वो मेवाड़ की राजकुमारी थी, इसकी सगाई कहाँ कर दी थी? मारवाड़ में कर दी थी साथियों। किससे की थी? भीम सिंह से। अब इसके बाद में क्या हुआ, तो चलिए प्रश्न आते ही रहेंगे यहाँ पर, इसलिए उनके प्रश्नों के आंसर अभी नहीं बताऊँगा मैं, तो प्रश्नों पर ही हम चर्चा करेंगे उस मैटर पर। चौथा विकल्प आपके प्रश्न तीन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर चार पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न है, कृष्णा कुमारी की हत्या किसने की थी? मेवाड़ के भीम सिंह ने, मारवाड़ के मान सिंह ने, मारवाड़ के भीम सिंह ने और जयपुर के जगत सिंह ने। साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कृष्णा कुमारी की हत्या उसके पिता के द्वारा ही की गई थी, और कृष्णा कुमारी का पिता कौन था? मेवाड़ का भीम सिंह था साथियों। तो विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या चार में सही है। मारवाड़ का जो भीम सिंह था इससे तो सगाई हो रही थी और इसकी मृत्यु हो गई थी, तो जो इसकी सगाई कहाँ पर कर दी फिर इसके पिता भीम सिंह ने? जयपुर के जगत सिंह से कर दी थी साथियों। इससे उसके बाद में, भीम सिंह के बाद में जो मारवाड़ का शासक बना था मान सिंह, ये नाराज़ हो गया था साथियों। तो इसने बोला कि नहीं भाई, आपने वहाँ पर दोबारा दूसरी जगह सगाई करके आपने हमारा अपमान किया है। तो इसी के चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, इसी के चलते कृष्णा कुमारी की हत्या कर दी गई थी, अमीर खां पिंडारी वहाँ पर आ गया था। तो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर चार में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर पाँच पे आते हैं साथियों। पाँचवा प्रश्न है, कृष्णा कुमारी की जहर देकर हत्या कब की गई थी? 21 जुलाई 1810 को, 21 अगस्त 1810 को, 21 नवंबर 1810 को और 21 जून 1810 को। मतलब 1810 को तो कृष्णा कुमारी की हत्या की गई थी, लेकिन कब की गई थी साथियों? अगर डेट की बात करें, महीने की बात करें, तो 21 21 21 21 मतलब 21 को 21 डेट को हुई थी, लेकिन महीना कौन सा था? तो साथियों, 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी की जहर देकर हत्या उसके पिता भीम सिंह के द्वारा कर दी गई थी। विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या पाँच में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर छः की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर छः है, सवाई जय सिंह ने 1708 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की किस पुत्री से विवाह किया था? सूरज कंवर से, चंद्र कुंवर से, हाड़ी रानी से और कोई नहीं। तो साथियों,
जो सवाई जय सिंह के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है साथियों। तो इसने 1708 ईस्वी में देखो जो जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष था उसके बारे में ये प्रश्न है। बहुत पाँच सात प्रश्न आपको जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखो सवाई जय सिंह ने 1810 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जो थे इनकी पुत्री थी चंद्र कुंवर से इन्होंने विवाह किया था साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 6 में सही है। नेक्स्ट सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो सातवां प्रश्न, सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1740 ईस्वी में, 1742 ईस्वी में, 1743 ईस्वी में और 1745 ईस्वी में। साथियों सवाई जय सिंह की मृत्यु की अगर हम बात करें तो सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1743 ईस्वी में। कब हुई थी साथियों? 1743 ईस्वी में हुई थी। विकल्प नंबर आपका 3 सातवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। तो आठवां प्रश्न है, 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु के पश्चात जयपुर का शासक कौन बना था? माधो सिंह बना था, ईश्वरी सिंह बना था, मिर्जा राजा जय सिंह बना था या इनमें से कोई भी नहीं? तो कोई नहीं को आप वापस विकल्प से हटा सकते हो। साथियों जब 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद में जो जयपुर का शासक बना था वो जयसिंह का, सवाई जयसिंह का बड़ा जो बेटा था ईश्वरी सिंह, वो जयपुर का शासक बना था। हालांकि जय सिंह ने मेवाड़ की जो राजकुमारी थी साथियों चंद्रकुंवरी उससे इन्होंने विवाह किया था, तो उसमें एक शर्त रखी थी कि भाई जो जयपुर का अगला शासक बनेगा वो चंद्रकुंवरी से उत्पन्न पुत्र होगा। चंद्रकुंवरी से उत्पन्न पुत्र कौन था साथियों? माधो सिंह था। तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों सौतेले भाई थे, शासक कौन बना? ईश्वरी सिंह बड़ा था तो इसको शासक बना दिया गया। लेकिन माधो सिंह ने यहाँ पर जो वहाँ समझौता हुआ था जब शादी के समय, तो साथियों उसको याद दिलाया कि भाई ऐसा ऐसा वचन सवाई जय सिंह के द्वारा दिया गया था तो इस हिसाब से शासक मुझे बनाना चाहिए। लेकिन शासक कौन बन गया? ईश्वरी सिंह। इसी वजह से जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। तो विकल्प नंबर आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने सैनिक सहायता किसे दी थी? ईश्वरी सिंह को, माधो सिंह को, दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में तो दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के अपने अपने तरीके अपनाए थे। अब इसी संदर्भ में जो मल्हार राव होलकर है इसने जो माधो सिंह है साथियों इसको सैनिक सहायता प्रदान की थी और बदले में जब जयपुर विजय इसकी हो जाती तो 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कौन करता? माधो सिंह करता। किसको? मल्हार राव होलकर को। तो साथियों यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 है साथियों, राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1745 ईस्वी में, 1746 ईस्वी में, 1747 ईस्वी में और 1748 ईस्वी में। तो देखो राजमहल का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? माधो सिंह वर्सेज ईश्वरी सिंह के बीच में 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध हुआ और इसमें किसकी विजय रही थी? ईश्वरी सिंह की विजय रही थी साथियों। माधो सिंह के साथ कौन था? मल्हार राव होलकर, लेकिन विजय किसकी हुई? ईश्वरी सिंह की। तो यह थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथियों आपके 11वां प्रश्न है, बगरू का युद्ध कब हुआ था? 1745 ईस्वी में, 1746 ईस्वी में, 1747 ईस्वी में और 1748 ईस्वी में। तो इसके पहले हमने जो राजमहल का युद्ध देखा, मैंने आपको 10वें प्रश्न में बताया था कि भाई 1747 ईस्वी में राजमहल का ये युद्ध हुआ माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में, जिसमें विजय रहा ईश्वरी सिंह। तो उसके बाद में वापिस माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में बगरू का युद्ध हुआ साथियों, जो कि 1748 ईस्वी में मतलब एक साल बाद हुआ था और ये भी माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में ही था और इसमें किसकी विजय रही? माधो सिंह की। जबकि जो राजमहल का युद्ध था उसमें किसकी विजय रही थी? ईश्वरी सिंह की विजय रही थी। बट यहाँ कौन जीता? माधो सिंह की विजय रही, तो माधो सिंह जीता। बगरू का युद्ध लगभग 6 दिन तक चला था और इस युद्ध में साथियों जब ईश्वरी सिंह की हार हो गई थी तो इसने 4 परगने देने का वायदा किया। किसको किया साथियों? माधो सिंह को। और जो मराठा थे माधो सिंह की तरफ से लड़े थे साथियों ईश्वरी सिंह के विपक्ष में, उनको भी बहुत ज़्यादा धनराशि देने का वायदा किया था। किसने?
ईश्वरी सिंह ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके चौथा विकल्प सही है 11वें में, तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कब की थी? 13 जुलाई 1750 को, 13 अप्रैल 1750 को, 13 नवंबर 1750 को और 13 दिसंबर 1750 को। तो देखो, सवाई ईश्वरी सिंह बगरू का युद्ध हार गया था, हालांकि जयपुर का राजा वही था, क्योंकि इसने माधो सिंह को तो 4 परंगने दे दिए। अब उसके बाद में, हारने के बाद में, जब मराठों को इन्होंने वचन दिया था कि भाई आपको बहुत अधिक मात्रा में धनराशि दी जाएगी, तो मराठे वहाँ से चल गए। लेकिन जब ईश्वरी सिंह के द्वारा वो धनराशि मराठों को नहीं दी गई, तो मराठे मल्हार राव होलकर था साथियों, ये आ रहा था पैसे लेने, किससे? ईश्वरी सिंह से। तो इसने एक राजदूत को भेजा 2 लाख रुपए देकर के रस्ते में, लेकिन मल्हार राव होलकर नहीं रुका और उसने आगे बढ़ना जारी रखा। इसके चलते उसको पता है कि भाई यदि वो यहाँ आएगा तो वो पैसे मांगेगा और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सवाई ईश्वरी सिंह ने साथियों यहाँ पर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को आत्महत्या कर ली थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है आपके, नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए आए 4000 मराठों का कत्लेआम किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने, जय सिंह ने, माधो सिंह ने और जय सिंह प्रथम ने। तो देखो, जब ईश्वरी सिंह के द्वारा आत्महत्या कर ली गई, तो जो मल्हार राव होलकर था, इसने माधो सिंह को बुलाया और जयपुर का शासक नियुक्त कर दिया। जयपुर का शासक कौन बना? माधो सिंह। लेकिन माधो सिंह के शासक बनते ही इन्होंने लंबी जो धनराशि इनको ईश्वरी सिंह से लेनी थी, अब किससे लेंगे? माधो सिंह से। तो माधो सिंह को ये परेशान करने लगे, इससे ये बहुत परेशान हुआ। और जब मराठा जो लोग हैं लगभग 4000 मराठे आए थे साथियों, कहाँ पर? जयपुर में, जयपुर को देखने के लिए। तो इसने, माधो सिंह ने, सभी गेट बंद करवा दिए जयपुर के और 4000 मराठों का कत्लेआम करवा दिया था साथियों, किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा। तीसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। देखो, अच्छा कब करवाया था? 10 जनवरी 1751 को ये कत्लेआम माधो सिंह ने करवाया था मराठों का। तो नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में और बाड़मेर में। साथियों, कालीबंगा सभ्यता बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, सरल प्रश्न हो सकता है अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 14वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है साथियों? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो आपके दूसरा विकल्प 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, छूट गया, चलो सो इसके लिए साथियों 16वां प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी, बनास नदी, बेड़च नदी और लूणी नदी। साथियों, कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसको प्राचीन समय में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था साथियों। तो विकल्प एक आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी, बीके थापड़ ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी और अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे हैं साथियों? घग्गर नदी के किनारे हैं और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज के टेस्ट का स्टार प्रश्न आप इसको कह सकते हो साथियों। तो थर्ड विकल्प ही आपके बिल्कुल सही रहेगा 17वें में। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके 18वां प्रश्न है, आहर सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में, सीकर जिले में, राजसमंद जिले में और भीलवाड़ा जिले में। 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो आहर सभ्यता है, यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सही आंसर देख लेते हैं। जो आहर सभ्यता है साथियों, यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है और यह आहर नदी के तट पर स्थित है। इसको आयड़ नदी के नाम से भी कहा जाना जाता है। आहर नदी को
आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो एग्जाम में आहड़ की जगह आयड़ शब्द भी आ सकता है। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में है आहड़ या आयड़ नदी के तट पर। विकल्प एक बिल्कुल 18वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। तो 19वां प्रश्न है, आहड़ सभ्यता कौन से टीले के नीचे दबी हुई थी? राजकोट के नीचे, धूलकोट के नीचे, उदयकोट के नीचे, और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों 19वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है आहड़ सभ्यता, इनमें से जो धूलकोट टीला है साथियों इसके नीचे दबी हुई थी। सेकंड विकल्प आपके सही है 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा याद रखना, आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में किया था। साथियों किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में। कौन सी सभ्यता का उत्खनन? आहड़ सभ्यता का। और आहड़ सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। कौन से टीले के नीचे दबी हुई थी? धूलकोट टीले के नीचे। जो धूलकोट मतलब मिट्टी के टीले के नीचे। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ कौन सा सही है साथियों? आपके सेकंड सही है, सेकंड विकल्प। और उत्खनन कार्य याद रखना अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में करवाया था आहड़ सभ्यता का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है, आहड़ का दूसरा नाम मिलता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ताम्रनगरी और ताम्रवती। तो साथियों जो आहड़ सभ्यता है इसका दूसरा नाम, एक और नाम मिलता है जो है साथियों ताम्रवती। किस नाम से भी आहड़ को जाना जाता है? ताम्रवती के नाम से भी इसको जाना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 21वां प्रश्न है साथियों, 21वां प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में, दौसा में, करौली में और सीकर में। साथियों 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है साथियों? सीकर जिले में ये स्थित है। और सीकर में भी कहाँ? नीम का थाना जो नामक स्थान है, नीम का थाना नामक स्थान जो कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है, वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके 22वां प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता में अत्यधिक मात्रा में कौन सी धातु उपलब्ध थी? चांदी, तांबा, लोहा और पीतल। साथियों गणेश्वर सभ्यता में जो अत्यधिक मात्रा में जो धातु थी वो पूछ रहा है प्रश्न नंबर 22। तो उस धातु का नाम बताइए, क्या वहाँ सर्वाधिक मात्रा में चांदी थी, लोहा था, पीतल था या तांबा था? तो 22वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। गणेश्वर सभ्यता में अत्यधिक मात्रा में तांबा था साथियों। किसकी मौजूदगी थी? तांबे की मौजूदगी थी। तो विकल्प नंबर 2 आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है या गिलुंड सभ्यता को कहा जाता है? तो ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहते हैं? प्रश्न नंबर 23 में सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं, ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को ही कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। थर्ड विकल्प 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। तो 24वां प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, सिरोही जिले में और राजसमंद जिले में। तो देखो उदयपुर में आहड़ है, हनुमानगढ़ में कालीबंगा है और गिलुंड सभ्यता राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। साथियों कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के राजसमंद जिले में गिलुंड सभ्यता स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 25वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 25, गिलुंड सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूणी सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बनास सभ्यता और चंबल सभ्यता। तो साथियों गिलुंड सभ्यता जो कहां पर स्थित है? राजस्थान में, राजसमंद में स्थित है। और इसको जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है बनास सभ्यता। मतलब गिलुंड सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहते हैं साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 में बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 26वां प्रश्न, लेकिन बहुत ही उपयोगी चीज़ें आपको प्रदान कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो कि भाई हाँ किस प्रकार का आपको टेस्ट लगा, क्वेश्चन कैसे लगे,
जो मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है निःशुल्क है, सारी चीज़ें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है साथियों यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे, यहाँ आपके थर्ड विकल्प सही है। तो चलिए 26वां प्रश्न, गिलुंड सभ्यता में धूप में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है, आग में पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी की कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों गिलुंड सभ्यता वह सभ्यता है जिसमें आग में पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर जो ईंटें मिली है साथियों उनको आग में पका करके घर बनाने में प्रयोग किया जाता था, जबकि जो आहार सभ्यता वगैरह है इनमें सिर्फ धूप में पकी हुई ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। तो विकल्प दो आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट 27वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो 27वां प्रश्न है, बागौर सभ्यता किस जिले में है, राजसमंद में है, भीलवाड़ा में है, पाली में है या नागौर में है। तो साथियों देखो बागौर सभ्यता की बात की जा रही है, बागौर सभ्यता इनमें से भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में बागौर सभ्यता स्थित है और यह कोठारी नदी के तट पर स्थित है साथियों। कहाँ, कोठारी नदी के तट पर बागौर सभ्यता राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। 27वें में आपके सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे, तो 28वां प्रश्न है, रोमन एम्फोरा व यूनानी सुराही कहाँ से प्राप्त हुई है, भीनमाल सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से, रंगमहल सभ्यता से और ओजियाना सभ्यता से। तो साथियों 28वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही इनमें से कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 28वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, रोमन एम्फोरा व यूनानी सुराही इनमें से भीनमाल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। विकल्प एक आपके 28 में सही है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न देखेंगे जो कि आज का सेकंड लास्ट। अब आपको यहाँ कमेंट करके जाना है कि 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं साथियों। तो तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर है, जालौर में, भीलवाड़ा में, बाड़मेर में और जयपुर में। इनमें से तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। तो तिलवाड़ा सभ्यता भी कहाँ है साथियों, बाड़मेर में ही स्थित है। आपके थर्ड विकल्प 29वें प्रश्न में सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं, आज का ये तीसरा वीडियो है साथियों। भीनमाल का प्राचीन नाम था, क्या था भीनमाल का प्राचीन नाम, लाहौर था, श्रीमाल था, सुनारी था और बरौर था। तो साथियों प्रश्न संख्या 30 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, राइट आंसर बताइए भीनमाल का प्राचीन नाम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो साथियों भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल, क्या था साथियों, श्रीमाल। सेकंड विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। तो ये आपके टेस्ट कंप्लीट हुआ, राजस्थान हिस्ट्री की 28 क्लासें कंप्लीट हुई जिसमें राजस्थान का जो राजपूतों का जो इतिहास है वो पढ़ लिया, आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यता भी पढ़ ली साथियों और उनके प्रश्न भी हल कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।